नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। जनपद में धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सभी पुलिस थानों में किया गया मौन धारण। थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा में कारतूस व शराब सहित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। थाना ननोदा क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से हुई लूट। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के समक्ष की गई देश में अमन चैन की प्रार्थना। जिला पुलिस प्रशासन सहारनपुर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्त बैंक एटीएम में संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग अभियान जारी। जिला कांग्रेस कार्यालय पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। मैं नवल भारती फ्रॉम नवल ऑटोमोबाइल्स सभी देशवासियों और सहारनपुर वासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। रिटायरमेंट से पहले क्या बोले डीजीपी? उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह कल अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इससे एक दिन पहले उन्होंने पुलिस के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम एक शुभकामना संदेश जारी किया है। आइए सुनते हैं डीजीपी ने क्या कहा। साथियों, आगामी 31 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूं। विश्व के विशालतम पुलिस बल का प्रमुख बनने का जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने प्रत्येक क्षण उसके गौरव को बढ़ाने की कोशिश की है। अमित यादव, सेक्टर अध्यक्ष, वार्ड नंबर 13, समाजवादी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद में धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष के पांचवे दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के बारे में मान्यता है कि इस दिन ज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी का लुत्फ भी उठाया जाता है। बसंत पंचमी पर पतंगबाजी का नजारा जनपद सहारनपुर में भी खूब देखने को मिला। लोगों ने अपना कामकाज छोड़ पतंगबाजी का आनंद उठाया। इस दौरान आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे पक्षियों की तरह छाई रही। रीति रिवाज, परंपरा और त्योहार के रूप में उड़ाई जाने वाली पतंग आज मनोरंजन का पर्याय बन चुकी है। युवा वर्ग सुबह से ही बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सभी पुलिस थानों में किया गया मौन धारण। समस्त थाना प्रभारियों द्वारा थाना प्रांगण में थाने पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी गणों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कराया गया, जिस दौरान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश को स्वतंत्र करने में दिए गए बलिदान को याद किया गया। लालकर साणी है, सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष यादव, गांव चक्रेटी से सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा, मय, कारतूस व शराब सहित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेश अनुसार वांछित अभियुक्त गणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी मिर्जापुर ने उप निरीक्षक सुशील कुमार के साथ मिलकर अभियुक्त शौकीन पुत्र ताहिर निवासी शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर को एक तमंचा देसी 315 बोर में जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्त सुशील कुमार जाधव निवासी बडकला रामपुर थाना मिर्जापुर को 45 पौवे अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। थाना ननोता क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से हुई लूट। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि थाना ननोता क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास फाइनेंस के कर्मचारियों से लगभग 4,60,000 की लूट हुई है। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। लगातार जांच कर वे पीड़ितों से बात कर तहरीर ली जा रही है। आज थाना ननोता क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास एक जो फिनांस के कंपनी के कर्मचारियों से लगभग 4,60,000 की लूट की सूचना मिलते ही मौके पर थाना ननोता की पुलिस पहुंच गई थी। सूचना मिलते हम भी पहुंच गए थे, जो क्राइम ब्रांच और जो सब ब्रांच की टीम भी पहुंच गए थे। लगातार हम लोग जांच कर रहे हैं, जो पीड़ित है उनसे बात करके तैयारी लिया जा रहा है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के समक्ष की गई देश में अमन चैन की प्रार्थना। सहारनपुर में चिलकाना रोड स्थित सैनी पंचायती मंदिर में बसंत पंचमी पर सहारनपुर जागरण मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें जिले के सभी जागरण कलाकारों ने विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन किया, जिसके बाद माँ सरस्वती का गुणगान करते हुए पूरे देश की खुशहाली और अमन चैन के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना की गई। इस दौरान मुकेश दीक्षित, प्रदीप पागल, अशोक वर्मा, सौरभ वधावन, शिवा सागर, राजू भल्ला, देशराज दीवाना, मनोज राही, राकेश हंस, जनेश्वर शर्मा, नीतू सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। बसंत पंचमी का पावन पर्व है और विशेष तौर पे वैसे तो जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए और समस्त जगत के कलाकारों के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की दायिनी है, संगीत की दायिनी है, संगीत माँ के रग रग में बसा हुआ है। बच्चे और कलाकार आज इन सब के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं होता। बसंत पंचमी का महोत्सव हमारे लिए एक ऐसा महोत्सव है जैसे हमारे घर में हम सब त्यौहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, फाग मनाते हैं और हमारे भाई ईद मनाते हैं, ऐसे ही हम सबको बसंत पंचमी का त्यौहार भी मनाना चाहिए। आज हमारे सहारनपुर के सभी कलाकार, जिले भर से कलाकार यहाँ आ रहे हैं, सब मिलकर माँ का पूजन कर रहे हैं और भजनों के माध्यम से और पूजन के माध्यम से माँ के चरणों में हम सब ने हाजिरी लगाई। जिला पुलिस प्रशासन सहारनपुर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्त बैंक एटीएम में संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग अभियान जारी। जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मैं फोर्स के अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बैंकों के अंदर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा जनता से अपील की गई कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन पर दे। सहारनपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली, नगर अध्यक्ष वरुण शर्मा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने गांधी जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान पूर्व मंत्री लियाकत अली, एडवोकेट अशोक सैनी, गणेश दत्त शर्मा, नसीब खां सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो पूरे विश्व में जिंदा है, महात्मा गांधी एक ऐसी सोच थे जिससे इस दुनिया का निजाम चलता है, जिससे इस दुनिया में, इस विश्व में शांति स्थापित होती है। उन्होंने पूरे विश्व में केवल एक संदेश देने का काम किया कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम करते हैं। राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। सहारनपुर में चिलकाना रोड स्थित सैनी पंचायती मंदिर में बसंत पंचमी पर सहारनपुर जागरण मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी जागरण कलाकारों ने विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन किया, जिसके बाद माँ सरस्वती का गुणगान करते हुए पूरे देश की खुशहाली और अमन चैन के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना की गई। इस दौरान मुकेश दीक्षित, प्रदीप पागल, अशोक वर्मा, सौरभ वधावन, शिवा सागर, राजू भल्ला, देशराज दीवाना, मनोज राही, राकेश हंस, जनेश्वर शर्मा, नीतू सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। इसमें कि हमारे 18 मंडल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 18 मंडल 260 बॉक्सर ने पार्टिसिपेट कराया है और दो छात्रावास हैं, झांसी छात्रावास और मेयर छात्रावास, जिसका कि आज ये प्रथम दिन प्रथम चक्र स्टार्ट हुए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, जीरो टॉलरेंस की सरकार दी और जो आयुष्मान कार्ड देकर हमारे पूरे देशवासियों को उसमें शामिल किया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत में क्या और प्रदेशों में क्या सभी समाजों को समान दृष्टि से देखते हुए, सबका साथ सबका विकास के नारा देते हुए, सबका विश्वास लेते हुए आगे बढ़ रही है और मैं ऐसी नायकों को, ऐसे अपने नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड में हमारे एक बेहतर मुख्यमंत्री तो दिया ही दिया, साथ में उत्तराखंड से माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल को मानवता संसाधन मंत्री बनाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। मैं ऐसे नेता को भी बधाई देना चाहता हूँ। और जो हमारे देश जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद कराया, मैं इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि देकर अपने समाज की ओर से, अपने माटी कला बोर्ड की ओर से, अपने प्रदेश की ओर से नमन करता हूँ। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।